सो है दोस्तों, मैं हूँ सुबह और आप देख रहे हैं सुबह टेकी। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लेजेंडरी का जो फ्रेम है और COD मोबाइल में कैसे आप ले सकते हो, वो भी बहुत ही जल्दी। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में और कुछ मिस्टेक्स वगैरह भी बताऊंगा जो आपको नहीं करना चाहिए, जो मैंने किया है। तो पहली बात तो ये कि हार्ड नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही मतलब उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी है। बस आपको पता नहीं है कि कैसे करना है। आपको अगर पता चल जाएगा कि कैसे करना है, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये बहुत ही आसान है लेजेंडरी पर जाना। तो मैंने ये 3 दिन में कंप्लीट किया है, और मतलब 3 दिन में लेजेंडरी में गया हूँ मैं। ओके, तो भी पहला बात जो है, मतलब सब लोग बोलते हैं कि डिवाइस अच्छा चाहिए, वरना रैंक पुश नहीं हो पाएगा, आप मर जाओगे, माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा जो डिवाइस है ना, वो खुद ही लो एंड डिवाइस है। मेरा डिवाइस है वह है रेडमी नोट 4। ओके, और एक मिस्टेक बता देता हूँ कि अभी एक मिस्टेक कि मैं पूरा जो है रैंक मैच में हेडफोन विदाउट हेडफोन मैंने खेला है, क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए मेरा हेडफोन मुझे मेरे फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता कोई भी हेडफोन। तो और मुझे ब्लूटूथ हेडफोन में खेलने की आदत नहीं है और मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ डिले वगैरह हो जाता है मेरे फ़ोन में। तो इसलिए दोस्तों मैंने हेडफोन नहीं यूज़ किया। अगर आप लोग ऐसा मत करना, हेडफोन यूज़ करना दोस्तों, हेडफोन बहुत ही काम का है। आपको पता ही होगा पबजी खेलते थे तो पबजी में बहुत ही काम आता था, तो इसमें भी काम आएगा। और दोस्तों ये मिस्टेक मैंने किया है तो मत करना। और सेकेंड चीज़ जो है, आपको ना टीम डेट मैच नहीं खेलना है, आपको खेलना है डोमिनेशन। जी हाँ दोस्तों, डोमिनेशन जो है ना, जब प्लास करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्लास होगा और माइनस भी ज़्यादा होगा, मगर माइनस जो है आप क्यों करेंगे, आपको तो प्लस करना है क्योंकि आप रैंक पुश कर रहे हैं। तो कैसा खेलना है तो ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं इस वीडियो में वो बात नहीं करूँगा कि कैसे खेलना होता है। आपको बस बताऊँगा कि कैसे आपको जाना पड़े, मतलब जाने के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ। तो खेलना बहुत ही आसान है, आपको बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके टीममेट जो है बेस जो है कैप्चर कर लिए। तीनों बेस कैप्चर करने से क्या होगा कि आपका पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा। और दोस्तों एक चीज़ आप ख्याल रखना कि आपको किल ज़्यादा करना है, मतलब किल पर आपको ध्यान देना है। आप मतलब मिनिमम आपको 15 किल से ऊपर किल करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका फ़ायदा यही होगा कि आपको पर मैच में 50 के ऊपर प्लस मिलेगा। और दोस्तों बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए माफ़ कर देना, पता नहीं क्या हो रहा घर के बाहर। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको ख्याल रखना है। और दोस्तों आपका जो टीममेट जो है ना, आपको टीममेट कुछ लेना पड़ेगा, आप अकेले ही नहीं खेल सकते रैंक मैच में। आपके टीममेट होना ज़रूरी है कि आपके उसके साथ कॉन्टैक्ट कर पाए, आपको बात सुने, ऐसा टीममेट चाहिए। और दोस्तों एक बात जो है कि आपको टीममेट पांच आपको सभी टीममेट आपके दोस्त नहीं है तो प्रॉब्लम है, तो ये कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरा जो मैं जब खेल रहा था तो मेरा टीममेट सिर्फ 3 लोग थे मेरे कॉन्टैक्ट में और बाकी 2 थे रैंडमली। और दोस्तों एक बात जो है कि रैंडमली जो मैच मतलब जो लड़के आते हैं ना, तो वो हर वक्त मतलब बुरे नहीं होते, क्योंकि देखिए दोस्तों वो भी मतलब मास्टर के बाद, अब जब मास्टर के पार करेंगे ना तो रैंडम में जो भी प्लेयर आएंगे ना वो भी रैंक पुश कर रहे होंगे, तो उनको भी हारने का डर होगा, तो इसलिए अच्छा खेलेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये चिंता मत कीजिए कि रैंडम में आपको अच्छे प्लेयर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो भी रैंक पुश कर रहे होंगे मास्टर के बाद। ओके, मास्टर से पहले कोई मतलब अच्छा खेलता है कि नहीं खेलता, मास्टर से पहले आप ही खुद अच्छे बहुत खेल लेंगे, मास्टर में ही से ही शुरू होता है कुछ हार्ड, बहुत ही हार्ड। ओके, तो जैसे जैसे मैंने बोला वैसे करना, और मिस्टेक जो है मतलब हेडफोन उधर हेडफोन मत खेलना। और दोस्तों एक चीज़, आप रैंक पुश जब करेंगे ना, रात को अगर रैंक पुश करते हो तो 3 बजे से पहले कर देना, क्योंकि एशिया सर्वर में क्या होता है कि 3 बजे के बाद सर्वर मतलब गेम ही ढूंढ नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, मैंने खेला है, मतलब 4 बजे मैंने खेला है, जब क्या होता कि मैच फाइंड होने के लिए मतलब मैच फाइंड होता है वो 10 मिनट लग जाते हैं, मतलब मैच ही नहीं ढूंढ पाता। तो इसलिए आपको 3 बजे से पहले खेलना है, और सुबह भी खेल सकते हो, सर्वर अच्छा लगता है। और दोस्तों आप अगर रात में खेलते हो ना, अगर फिर भी खेलते हो, तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपको अगर मैच नहीं मिलता तो आप क्या करना कि पहले एक एक नॉर्मल मैच खेल लेना, फिर रैंक मैच खेलना, मतलब फिर क्या होगा कि आपको जल्दी ढूंढ लेगा मैच और आप खेल पाएंगे।
तो दोस्तों यही कुछ बातें थी, और ये आप ध्यान में रखेंगे ये टिप्स ट्रिक्स और मिस्टेक्स, अब अगर ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी चले जाएंगे लेजेंडरी में और फ्रेम आपको मिल जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। और दोस्तों कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, और अगर माइनस भी करते हो ना तो कोई बात नहीं, मैंने भी बहुत माइनस किए हैं। तो ये कुछ टिप्स था, मतलब यही कुछ बातें थी मेरी तरफ से। तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरी बातें अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मत दीजिए और अनसब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब मत कीजिए। तो दोस्तों और क्या बोल सकता हूँ, सब आपकी मर्जी है। और दोस्तों तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अच्छे रहिए। पीस आउट।